कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। 1 लाख परिमाण वर्ष की दीर्घ आयु के जो स्वामी, 10-14 धनुष देह है ऊंची, बने हुए हैं जो नामी, सहस पंच विंशति वर्षों का काल कुमार अवस्था का, बीत गया तब राजा होकर हुए सुशोभित पत्नापा, हुए सुशोभित पत्नापा। राजा मेघरथ सोचते सोचते फिर कहने लगे, देखो अगर हम शरीर को भी इसी रूप में देखेंगे तो हमें अपनी उम्र के एक पड़ाव पर पहुंचने के बाद में नियम से ये भाव आएगा कि जब उम्र आगे और बढ़ती है तो फिर उसमें हर चीज में एक गिरावट आती है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इस शरीर की ओर, इसकी ब्यूटी की ओर इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? आप जैसी थी वैसी सुंदर अभी भी हो। अब तुलना करके अगर आप मुझसे सत्य बोलवाना चाहती हो तो बात अलग है, लेकिन मेरे लिए तुम वैसे ही सुंदर हो जैसे पहले थी, मेरे लिए तुम्हारे प्रेम में कोई कमी नहीं है, तुम क्यों बेवजह के निकल कर रहे हो? उसको फिर भी संतोष नहीं हो रहा है। और वह फिर पूछती है, मैं आपकी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हूं, मुझे मालूम है कि आपका मेरे ऊपर प्रेम पूरा है, बराबर है, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहती हूं क्या वो देवी सही बोल के गई है या नहीं? क्या बोला जाए बोलो? तो उस समय पर फिर जब वे दार्शनिक दृष्टिकोण से नहीं समझती है तो उसको एक काव्यात्मक दृष्टिकोण में राजा मेघरथ उससे कहते हैं, रानी तू सासों से इतना मत प्यार कर। क्या बोलते हैं बोलो? रानी तू सासों से इतना मत प्यार कर, मानव तू देह को न इतना दुलार कर, मानव तू देह को न इतना दुलार कर, सांसें छल जाएंगी किस क्षण विश्वास नहीं, आत्मा अभी नश्वर है उसका श्रृंगार कर, आत्मा अभी नश्वर है उसका श्रृंगार कर। कौन कह रहा है? मेघरथ राजा कह रहे हैं। किससे? रानी से। रानी क्यों, किस बातों में उलझ गई? कितना तेरे लिए शास्त्रों का ज्ञान है, तू हर बात में प्रवीण है, मेरे साथ रह रह करके धर्म सभा में तूने खूब शास्त्रों को सुना है और आज कुछ छोटी सी बात पर इतना दुखी हो रही है? अगर वो देवियां कह रही हैं कि तेरा रूप सौंदर्य पहले से कुछ कम हो गया है तो कुछ कम होना स्वाभाविक है, उस रूप सौंदर्य को शाश्वत मत समझ, उस रूप सौंदर्य के कारण से इतना दुखी मत हो, ये तो इस शरीर का स्वभाव है जो हो जाता है एक उम्र के बाद में,
इस शरीर में इस तरह की कमियां आ जाती हैं और उस कमी को भी हमें वस्तु स्वरूप मान करके स्वीकार कर लेना चाहिए। अब जब राजा मेघरथ अपनी साहित्यिक भाषा में जब इस तरह से उसे बोले तो वह रानी को समझ में आ गया ये क्या कहना चाह रहे हैं, और 10 बार पूछने के बाद भी ये स्पष्ट नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनके इस कहने के लहजे से तरीके से समझ में आ रहा है कि ये कह रहे हैं कि अब तू शरीर के श्रृंगार पर ध्यान मत दे, आत्मा के श्रृंगार पर ध्यान दे, आत्मा के सौंदर्य पर ध्यान दे, क्योंकि आत्मा का सौंदर्य एक बार अगर बन जाता है तो वह कभी मिटता नहीं है, क्योंकि वो आत्मा का सौंदर्य अविनश्वर होता है। शरीर का सौंदर्य तो हर पल मिटता है, हर घंटे में मिटता है, वह बनकर के भी मिट जाता है, इसलिए उसके सौंदर्य पर तू ध्यान मत दे। और ये बात जब अनेक तरह से राजा मेघरथ ने उसको समझाई तो रानी प्रीमित्रा को समझ में आ गई और वह स्वीकार करने लग गई कि वास्तव में मेरे रूप सौंदर्य में कमी आ गई है। और ऐसा भाव जब उसके अंदर आया तो एक तरफ तो वह वस्तु स्वरूप का विचार भी करती है, एक तरफ वह अपने स्वामी के वचनों को ध्यान में रखते हुए नित्य अनित्य स्वरूप का विचार भी करती है, लेकिन दूसरा तरफ उसका मन थोड़ा सा निराश हो गया। होता है ऐसा कि नहीं होता है? कभी कभी जब हमारे सामने किसी भी तरह की जब हमारे मन में इच्छाएं होती हैं और उन इच्छाओं के अनुरूप कुछ नहीं होता है तो हम समझदार होते हुए भी सब कुछ सुनते हुए भी एकदम मन में वैसे हर्षित नहीं हो पाते, प्रसन्न नहीं हो पाते जैसा पहले रहा करते हैं। और यही बात उस रानी के साथ हो रही है। अब वह रानी थोड़ा सा भीतर से दुखी हो गई, उदासीनता उसके चेहरे पर, वह चाहते हुए भी नहीं उसके चेहरे से जा पा रही है, और वह राजा मेघरथ उसको समझा रहे हैं कि तुझे उदास होने की जरूरत नहीं है, जो कमी आई है वो तो बहुत थोड़ी सी है, उसे कोई नहीं समझ सकता है, लेकिन तूने जो मुझसे पूछा वो मैंने अपने अवधि ज्ञान से देख करके बताया, लेकिन अगर मति श्रुत ज्ञान से देखें तो तू पहले की तरह ही सुंदर है। अब कितना भी लीपा पोती करो, अब कितना ही समझाने की कोशिश करो, खुश करने की कोशिश करो, जो बात थी वो तो गहरी घर में मन में घर करी गई। अब वो रानी उदास हो गई, खेत खिन्न हो गई, इतना बड़ा राज्य वैभव था हमारा, इतनी बड़ी रानी थी और मेरे अंडर में हजारों रानियां हैं और उन सबकी मैं वल्लभा रानी पटरानी कहलाती हूं, आज मेरे साथ भी मेरे रूप सौंदर्य में अगर कमी आई है तो फिर इस संसार में किसका रूप सौंदर्य स्थिर है। और ऐसा विचार करके उसका मन इतना खेद के नौने लगा कि उसने मन में विचार कर लिया, बताओ क्या विचार कर रहे थे, बोलो क्या करना पड़ेगा, क्या था घर में क्या रखा था, सेल्फस क्या करना पड़ेगा, मर जाओ क्या कर जाओ, मायके चली जाओ, मायके में जाके क्या हो जाएगा, कहीं दूसरी जगह जा भी नहीं सकती, वहां भी जाके क्या हो जाएगा, क्या करोगी बताओ। अगर कभी आपके साथ ऐसी स्थिति बने तो आपके मन में ऐसी खेद खिन्नता आए तो आपका मन कहे कि मुझे अब इस घर में रहना नहीं, अब मुझे इस घर का कोई भी वैभव कोई भी विलासिता अच्छी नहीं लग रही, अब मुझे इस घर में रहना ही नहीं, मेरा मन अब भर चुका है, मैंने देख ली दुनिया, अब मुझे सब क्या करना है, छोड़ना है। छोड़ने के दो तरीके होते हैं, या तो हमें दुनिया को छोड़ के चले जाए
या फिर हम बुद्धिपूर्वक उस वस्तु स्वरूप को समझते हुए उस राग के भाव को छोड़ दें और जिन चीजों से राग उत्पन्न हो रहा है, वो उत्पन्न हो रहा है, उन चीजों को छोड़ दें। बोलो कौन सा तरीका अपनाना है, पहले वाला कि दूसरे वाला? बुद्धि तो ही नहीं, तुम लोग क्या होगा है? दूसरे वाला। बहुत समझदार होते हैं आगे तो। यहां बैठ करके बोल रही हो कि वास्तव में भीतर से ऐसा भाव आता है कि दूसरे वाला तरीका अपनाना है, है? पहली बार में तो पहले क्षण में पहले वाला भाव आता है कि नहीं आता? जब सीधे सीधे अपने मन में कोई खेद खिन्नता होती है तो सीधे सीधे एकदम से सामने वाले को धमकी दी जाती है, मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो कुछ कर जाऊंगी, मुझे अब यहां रहना ही नहीं, मुझे तो अब जीना ही नहीं। ऐसे न जाने कितनी धमकियां मिल जाती हैं और कितने तरह की ऐसे सेंटेंस सुनने को मिल जाते हैं जिनसे लगता है कि भाई ये तो अभी कुछ ना कुछ सुसाइड न कर ले। लेकिन अगर व्यक्ति में समझदारी होती है तो वह कभी भी ऐसे गंदे भाव, ऐसे नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर कभी नहीं लाता, जिसे वास्तव में जिन धर्म का ज्ञान होगा और जिसने एक बार ऐसे शांतिनाथ भगवान के चरित्र को सुन लिया होगा, जिसने एक बार ऐसे मेघरथ राजा के उपदेश को सुन लिया होगा, वो अपने जीवन में आत्महत्या की बात कभी भी कर नहीं सकता। उसके मन में वह पहला विचार आकर के भी उसके मन में वह स्थिर नहीं रहेगा और वह तुरंत उसके मन में दूसरा विचार आएगा, हमें दुनिया नहीं छोड़ना, हम दुनिया को छोड़ेंगे और बुद्धिपूर्वक छोड़ेंगे और दुनिया में जिन पदार्थों से हमें राग उत्पन्न होता है उन पदार्थों को छोड़ेंगे और उन पदार्थों को छोड़ने के बाद में सोच समझ करके अच्छे ढंग से दुनिया छोड़ेंगे। सहसा जो दुनिया छोड़ करके चले जाते हैं वो आत्मघाती जीव जन्म जन्मांतर तक दुखी बने रहते हैं। इसलिए कभी भी हमें इस तरह का भाव नहीं करना। और ऐसा विचार करके, वह रानी भी सम्यक ज्ञानी थी, सम्यक दृष्टि थी, तो उसके मन में विचार आता है, मैं भी जब मेरे घर में मेरे कौन कहलाए ससुर जी धनरथ जैसे तीर्थंकर हैं और वो तीर्थंकर दीक्षा लेकर के समवसरण में बैठे हुए हैं, केवल ज्ञान के साथ जिनके समवसरण में अनेक आर्यिकाएं बैठी होती हैं, अनेक अनेक महिलाएं वहां जाकर के दीक्षा लेती हैं, तो हम भी उन्हीं के समवसरण में जाकर के दीक्षा लेंगे और इस गृह त्याग करके हम भी इसी तरह से आर्यिका बनेंगे। ऐसा विचार उसके मन में आ जाता है। अच्छा है कि नहीं? समर्थन तो किया ही नहीं तुम लोगों ने। अगर कभी खेद खिन्नता आए और ऐसा विचार आ जाए तो ये विचार भी अति उत्तम है। लेकिन देखो, अब देखो पति के हाल, सुन रहे हो? अब जब उसने विचार कर लिया कि मैं वैराग्य को धारण करूंगी, मैं तो अब धनरथ तीर्थन करके समवसरण में जाऊंगी, तो अब मेघरथ की हालत सम्यक दृष्टि होते हुए भी, इसीलिए कहा जाता है पर उपदेश कुशल बहु तेरे, सुन रहे हो? रामचरितमानस सुनता रहता है आजकल। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, अब जब वह उपदेश देने में कुशल है, अब सुनने में आ ही जाता है, खूब सुनता रहता है आजकल, तो वह सावन का महीना चल ही रहा है, बड़े बड़े लाउड स्पीकर नहीं भी सुनना चाहो तो भी सुनने में आ ही जाता है, तो उसी में पंक्तियां सुनने में आ जाती है, बिल्कुल सही लगता है। तो देखो वह मेघरथ अब सोचते हैं ये क्या हो गया, ये कौन सी बात कहने लग गई। अब मेघरथ उसको समझाते हैं, देखो सम्यक दृष्टि जीव होकर के भी, वस्तु स्वरूप के जानकार होकर के भी उससे कहते हैं, प्रिय मैंने तुम्हें ढाढ़स बनाने के लिए ये नित्य अनित्य स्वरूप का ज्ञान दिया था,
इसका मतलब ये नहीं था कि तुम्हें अभी वैराग्य आ जाए और तुम अभी घर से छोड़ के चली जाओ। देखो ऐसा नहीं करते, अभी थोड़ी देर रुको। जैसा भाव तुम्हारे अंदर आ रहा है वैसा भाव हमारे अंदर भी आता है। हम भी घर में रह करके देखो कितना निष्प्रय होकर के कितना धर्म ध्यान करते हैं और घर के किसी भी काम में, राजपाठ के किसी भी काम में, राज्य को बढ़ाने में मेरी कोई रुचि नहीं है, कोई मेरे घर अंदर कोई भी राग नहीं है संसार से। लेकिन फिर भी तुम्हारे कारण से ही तो हम यहां रुके और तुम हमसे पहले चलने लगे। तो वह मेघरथ उससे कहते हैं वैराग्य का भाव आना अच्छा भाव है, मैं प्रशंसा करता हूं आपके भाव की, लेकिन अभी थोड़ा सा रुको। जब मैं भी यह अपनी मानसिकता बना लूं और मैं भी जब अपने मन को तैयार कर लूं तो फिर मेरे साथ ही तुम चलना, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा और मैं ये काम बहुत जल्दी करने वाला हूं। मेरे साथ ही तुम दीक्षा लेना और फिर हम दोनों लोग दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण करेंगे। फिर तुम्हें जिस आर्यका के पास रहना रह लेना, अभी थोड़ा सा कुछ दिन रुको जब तक मैं इस सारा निपटारा कर लूं जो फैला रखा है, इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर लूं फिर निकलते हैं। सुन रही हो? वो पूछ रहे मेघरथ राजा, सुन रही हो? तो वो रानी कहती है स्वामी अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती, लेकिन ये बात निश्चित है कि मुझे बहुत जल्द अपने इस स्वरूप को बदल करके अपने आप स्वरूप को प्राप्त करना है और मुझे इसके लिए ये सब त्याग करके आर्य का दीक्षा लेना है। आप मेरे लिए सहयोग करेंगे ये आपने कहा है तो मैं आपकी बात मान लेती हूं। और वह थोड़ी सी थम गई। क्या हो गया? थम गई माने बात थोड़ी सी टल गई। और वह मेघरथ राजा अब और ज्यादा सोचने लग गए, वैराग्य भावों से भरने लग गए। उन्होंने सब कुछ अपना जो राज्य के कार्य थे वो सब कुछ उन्होंने अब उनसे निश्चिंत होने का भाव बना लिया, सब कुछ उन्होंने दूसरों पर सौंपने का भाव बना लिया। और वह सब कुछ ऐसा करते करते एक दिन उन घनरथ भगवान के समव शरण में पहुंच गए। इनके समव शरण में जो उनके ही पिता हैं, तीर्थंकर हैं, उनके समव शरण में पहुंचे, उनकी वंदना की, उनके रूप को भी देखा, उनके स्वरूप को भी देखा और फिर उनसे निवेदन किया भगवान एक अच्छे श्रावक के लिए आपका क्या उपदेश हो सकता है, आप मुझे वो उपदेश दें और उस उपदेश को मैं सुनकर के अपना आत्म कल्याण करूं, ऐसी उन्होंने भावना अभिव्यक्त की। धनरथ भगवान के उस समोसरण में उन धनरथ तीर्थंकर ने उन्हें अपनी दिव्य ध्वनि से उपदेश दिया। विशिष्ट महापुरुषों के सामने होने पर तीर्थंकर भी असमय में बोल जाते हैं, बोलते हैं और उनकी दिव्य ध्वनि फिरती है। वह उस समय पर उपदेश देते हैं और उस उपदेश में श्रावक के ही धर्म को ध्यान में रखते हुए कि श्रावक कैसे गर्भ से लेकर के निर्वाण तक की क्रियाओं को अपनाता है, ऐसी क्रियाओं को उन्होंने बताया जिन्हें गर्भान्वय क्रियाएं कहते हैं, कुछ दीक्षान्वय क्रियाएं होती हैं, कुछ कर्त्यान्वय क्रियाएं होती हैं। ऐसी क्रियाओं के माध्यम से बताया कि एक सद्गृहस्थ सज्जातित्व को प्राप्त होकर के सप्त परम स्थानों को प्राप्त होकर के वह कैसे निर्वाण तक की प्राप्ति कर लेता है और उस सब क्रियाओं का उपदेश सुनने के बाद में उन मेघरथ राजा को लगा कि मुझे अब अपना लेवल बढ़ाना चाहिए, मुझे अब अपने लिए जो मिला है उससे और ऊंचाई को प्राप्त करने की भावना मुझे करनी चाहिए। वह अपनी उन सब क्रियाओं को सुनने के बाद में जो श्रावकोचित क्रियाएं होती हैं,
जिन क्रियाओं में गर्भ से लेकर के निर्वाण तक की यात्रा बताई जाती है और उसमें एक अच्छा जन्म लेने के बाद में कैसे वह राज्यत्व को स्वीकार करता है, फिर वह राज्यत्व को भी छोड़ करके किस तरह से वह एक दीक्षामयी क्रियाओं को स्वीकार करता है, इस तरह की वह आगे आगे बढ़ने बढ़ने वाली वह गृहस्थों की क्रियाओं के बारे में बताया और वह कैसे केवल ज्ञान को संपादित करके निर्वाण तक की प्राप्ति करता है, ये सब सद गृहस्थ भी करता है। ऐसी उन पूरी क्रियाओं का जब प्रक्रम उन तीर्थंकर के दिव्य उपदेश से सुनने को मिला तब वह राजा का मन और ज्यादा वैराग्य से भर गया और राजा के मन में फिर संसार से, शरीर से और भोगों से उदासीनता आ गई। किससे उदासीनता आ गई? उदासीन होना अच्छी बात है लेकिन किससे उदासीन होना चाहिए? तीन चीजों से उदासीन होना चाहिए। संसार से उदास हो जाना, अपने शरीर से उदास हो जाना और भोगों से उदास हो जाना। संसार, शरीर, भोगों से जब उदासीनता आ जाती है तब भीतर का वह निर्वेग भाव, वैराग्य भाव वृद्धि को प्राप्त होता है और इसी भाव की वृद्धि होने पर वह जीव सब कुछ त्याग करके फिर आत्म कल्याण के मार्ग पर अच्छे ढंग से अग्रसर होने का भाव कर लेता है। ये तीन प्रकार का वैराग्य जब संसार से आ जाता है तब भीतर का वह वैराग्य बढ़ता है जो हमें आत्म कल्याण की ओर लगाता है। संसार से वैराग्य होना, शरीर से वैराग्य होना और भोगों से वैराग्य होना। जब उदासीनता आएगी तभी वैराग्य भाव आएगा और जब इन तीनों से विरागता आ जाएगी तब आपको अपनी आत्मा की ओर दृष्टि आएगी और फिर उस आत्मा के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, उस आत्मा की शुद्धि के लिए फिर आपके लिए प्रक्रिया शुरू होगी। और ऐसा भाव राजा मेघरथ के अंदर आया। उन घनरथ तीर्थंकर के समौ शरण में उनके दिव्य उपदेशों को सुनकर और फिर वह घनरथ राजा को भी, जब घनरथ तीर्थंकर को भी इस तरह से उन्होंने सुन लिया तो फिर उन मेघरथ राजा को वैराग्य उत्पन्न हुआ और जब उन्हें वैराग्य भाव आया तो फिर उसमें देर नहीं लगी, उन्होंने तुरंत विचार किया और सबसे पहले उन्होंने अपने दृढ़रथ भाई को बुलाया और कहा कि इस राज्य का संचालन अब मैं आपके कंधों पर रखता हूं, आप इस राज्य का संचालन करना। दृढ़रथ ने सोचा कि ये भाई मुझे क्या सौंप करके जा रहे हैं। वह दृढ़रथ कहते हैं जो चीज आपके लिए अच्छी नहीं है वो चीज हमें क्यों दे रहे हैं, जो राज्य आपके लिए अच्छा नहीं लग रहा है उस राज्य का संचालन हमें क्यों दे रहे हैं। मैं तो आपके ही पीछे चलने वाला हूं, आपके ही चरण चिन्हों में चलने वाला हूं, जो आप करेंगे वही मैं करूंगा, मैं भी इस राज्यभार का त्याग करूंगा। अगर आप राज्यभार का त्याग करते हैं तो दृढ़रथ ने वह राज्य लेना स्वीकार नहीं किया। फिर उन मेघरथ ने अपने पुत्र को देखा, ज्येष्ठ पुत्र को, और फिर उस पुत्र से कहा, मेघसेन नाम के पुत्र से कहा, बेटा अब तू इस राज्य के भार को संभालना क्योंकि मैं और तेरा चाचा कोई भी इसके लिए तैयार नहीं हो रहा है और मेरे मन में अब ये विचार परिपक्व हो चुका है, इसलिए अब मैं तुम्हें यह राज्यभार सौंपता हूं। तो उस बेटे ने उस राज्यभार को स्वीकार कर लिया और वह मेघरथ, दृढ़रथ और उनकी पत्नियां और उन मेघरथ के साथ में 7,000 राजा एक साथ उन घनरथ के समोसरण में दीक्षा ले लिए। कितने? हजारों राजाओं के वो राजा होते, 7,000 राजा उनके साथ में दीक्षित हो गए और वह मेघरथ अब वह मुनि महाराज बनकर के समौ शरण में बैठ कर के उनके स्वरूप को देखते हुए अब और उपदेश सुनते हैं और तरह से अपने मन के अंदर भाव करते हैं
और उन्होंने ये संकल्प कर लिया कि मैंने जो इस संसार का राग त्यागा है, अब ये राग मेरे अंदर कभी दोबारा जन्म ना ले, ऐसी भावना से उन्होंने वह राग को छोड़ा। दृढ़रथ ने भी उसी समय पर इस भावना से कि अगर मुझे ये राज्यभार दिया जा रहा है तो ये तो ऐसा ही हुआ कि पहले ये मुझे राज्यभार देंगे फिर मैं छोड़ूंगा, माने पहले कीचड़ में पैर रखो फिर बाद में धो, ये कोई अकलमंदी का काम कौन सा काम नहीं है? आप लोग क्या बोलते हो, अकलबंदी की अकलमंदी है? उल्टे शब्द को भी आप सही रूप में बोलते हो, ये कोई अकल का काम नहीं है, ये तो कहना ठीक था लेकिन अकलमंदी का काम नहीं है, माने ये कोई अकल की अगर मंदी हो गई तो फिर ये बात कोई अकल वालों को समझ में नहीं आती कि पहले कीचड़ में पैर रखो और फिर धो। इसलिए दृढ़रथ ने भी उसी समय पर दीक्षा ली और मेघरथ राजा, दृढ़रथ राजा अब मेघरथ निर्ग्रंथ मुनिराज बन गए हैं। ऐसे मेघरथ निर्ग्रंथ मुनि महाराज की जय हो। अब क्या होगा, मुनि महाराज बनने के बाद अभी भी कुछ करना होगा और अभी ये बहुत बड़ा, बहुत अच्छा और बहुत बड़ा उनके लिए एक अभी समय है इस भाव में, इस जन्म में और इस मुनि पर्याय के साथ ही वह कुछ ऐसा संकल्प लेंगे, ऐसी भावना करेंगे जिसके माध्यम से वह एक भाव के बाद ही तीर्थंकर बन पाएंगे और वह तीर्थंकर बनने की भावना भी वो करेंगे। कौन सी भावनाएं होती हैं, कैसे तीर्थंकर बनते हैं, कैसे पिछले जन्म की वह त्याग तपस्या होती है और किस तरह का उनका जीवन होता है, यह अपन कल सुन पाएंगे। और फिर कल सुनने के बाद में हो सकता है परसों आपके लिए वह देवगति की आयु भी पूरी हो जाए और उसके बाद में उन शांतिनाथ तीर्थंकर का इस भरत क्षेत्र में ही गर्भ कल्याणक मनाने का आपको मौका मिल जाए, ऐसी भावना से आज यहीं पर विराम लेता हूं। 2 मिनट के लिए ध्यान भाव में बैठते, अंजलि नमा बनाकर बाहर की ओर कौनिया सीधी रखकर बैठे, आंखों को बंद करें। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। मैं संसार शरीर और भोगों से उदासीन हूँ, विरक्त हूँ, दूर हूँ। दोनों हाथ जुड़े, हुआ गीला मेरा तन तो
सृजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जन मन हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई सासद मोख पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान।